देखो, सेल ऑर्गेनल्स में अभी तक हम लोगों की जितनी लंबी जर्नी रही है, उसमें हम लोगों ने कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के साथ डील कर ली, एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल तुम लोगों ने पढ़ा, दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको हम लोगों ने देखा था। दूसरा सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में पढ़ाई की गई थी, दैट वाज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में हमने स्टडी की थी। और आज तुम तीसरा सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हो, राइट? तीसरे सेल ऑर्गेनल का बेसिकली एक पार्ट है। चलो खैर, तीसरे सेल ऑर्गेनल के पहले बात कर लेते हैं। वो था हम लोगों ने जो पढ़ा, दैट वाज गॉल्गी बॉडी। और अभी आज की क्लास में हम चौथा सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, डी पार्ट, जिसका नाम है लाइजोसोम्स। ठीक है, ये हम लोगों की आज की क्लास का सेल ऑर्गेनल है। और अभी जो सेल ऑर्गेनल्स की लिस्ट चल रही है, वो बेसिकली कहाँ पर आके अभी फ़िलहाल रुकी है? लाइजोसोम्स पर आके रुकी है। तो आज की क्लास में हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ लाइजोम्स, कि आखिर ये लाइजोम्स होते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप किसी भी सेल ऑर्गेनल को पढ़िए, द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सेल के अंदर वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का लोकेशन क्या है, मतलब वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि लेट से ये मेरे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मान के चलिए कि मेरे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, राइट? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में मान के चलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, मैंने इसको एन नाम दे दिया। न्यूक्लियस के आजू बाजू तुम जानते हो कि मेम्ब्रेन टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रफ टाइप की चीज़ें होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आजू बाजू हमने पढ़ा था क्या होती हैं, गॉल्गी बॉडीज़ होती हैं, समथिंग इस तरीके से। गॉल्गी बॉडीज़ का कुछ स्ट्रक्चर होगा, है ना, ये मान लो गॉल्गी बॉडीज़ होंगी। अब जो ये जगह बच जाती है, ये जो सेल की बची हुई जगह है, जिसको मैं अभी फ़िलहाल ग्रीन शेड कर रही हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ग्रीन शेडेड जगह को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, राइट? इस ग्रीन शेडेड जगह को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इस ग्रीन शेडेड जगह में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम भी साइटोप्लाज्म में है, आपकी गॉल्गी बॉडी भी साइटोप्लाज्म में है। तो वैसे ही इस ग्रीन कलर की जगह पे बहुत सारी अदर्स, ठीक है, क्या होती हैं, इस तरीके से कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लाइजोम्स कहते हैं। तो लाइजोम्स क्या है, आपके सेल ऑर्गेनल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक है, स्पिरिकल शेप के, सैक लाइक स्ट्रक्चर के, ठीक है, आपके पास जो सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई देते हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग बेसिकली लाइजोम्स कहते हैं। तो मतलब लाइजोम्स की ऐसी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि लाइजोम्स जो हैं, देखो, नॉर्थ पोल के पास इतने डिग्री पे पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो पूरे के पूरे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें, ठीक है, लोकेशन के बारे में अगर हम बातचीत करें, तो लोकेशन के बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्या, कि ये जो लाइजोम्स होते हैं, ये इवनली, ठीक है, क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इसमें जो भी जगह मौजूद होती है, उस जगह पे लाइजोम्स पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, बराबर, ये पड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर आप कोई चॉकलेट खरीदते हो, तो चॉकलेट कैसे रहती है, एक रैपर के अंदर रैप्ड रहती है ना, एक रैपर होता है चॉकलेट का, राइट? तो रैपर के जैसे रैप्ड फॉर्म में वो पर्टिकुलर लाइजोम साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं। कई बार कैसा होता है, जब हम लोग चॉकलेट खरीदते हैं, यूजुअली आप देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैडबरी खरीदी, किट कैट खरीदी, जब आप उस चॉकलेट को ओपन करते हैं, तो वो हो गई चॉकलेट की पन्नी, जिस पे लिखा हुआ रहता है कैडबरी,
सिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रांड नेस्ले, प्राइस, एक्सपायरी डेट, है ना, कंटेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह वगैरह। फिर जब आप उसको ओपन कर लेते हैं, लेट्स से आपने किटकैट ओपन कर ली, तो अंदर एक सिल्वर कलर की पन्नी होती है, उस सिल्वर कलर की पन्नी के अंदर किटकैट होती है। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरी जो चॉकलेट है दो दो मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, पहला आउटर मेम्ब्रेन जिसे प्राइस वगैरह लिखा रहता है, और एक वो सिल्वर कलर की मेम्ब्रेन, राइट। कई लोगों को शौक होता है चॉकलेट की उस पन्नी को कलेक्ट करके किताब में रखने का, एकदम अच्छे से कैडबरी वगैरह खरीदोगे तो गोल्डन कलर की पन्नी मिलेगी, है ना। अच्छा, इसे कहते हैं दो दो मेम्ब्रेन, आउटर इनर टू मेम्ब्रेन्स। लेकिन कैसा होता है, कई चॉकलेट्स ऐसी भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू परचेज एल्पेनलीबे, पहले तो खैर टीवी में बहुत ऐड आता था एल्पेनलीबे का, अब तो मुझे आइडिया नहीं है कि तुमको पता है नहीं पता है, और अब मार्केट में कौन सी चॉकलेट्स आती हैं मुझको पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत करेयरली खाती हूँ। तो एल्पेनलीबे जैसी कुछ चॉकलेट्स आपने लेट से मार्केट से खरीदी, चलो एल्पेनलीबे को छोड़ो, कुरकुरे का पैकेट लेट से खरीदा, जैसे ही तो वो कुरकुरे का पैकेट फाड़ते हो उसके अंदर जो कुरकुरे होते हैं क्या उनके आजू बाजू भी कोई पन्नी लगी हुई होती है क्या? नहीं मैडम, फाड़ो निकालो खाओ बात ख़त्म। तो इसका मतलब वो कुरकुरे जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन है कि उनके आजू बाजू सिर्फ एक ही लेयर है, बट जो किटकैट या कैडबरी की चॉकलेट है वो डबल मेम्ब्रेन है, उनके आजू बाजू दो दो लेयर्स हैं, एक वो सिल्वर कलर की और एक जिसमें MRP लिखा हुआ रहता है। तो सिमिलरली हम लोगों के पास या हमारे पास जो अभी लाइजोम्स है, अगर इस लाइजोम्स की बारे में हम लोग बात करें कि लाइजोम्स का अपीरियंस कैसा है, तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि लाइजोम्स जो होते हैं आप लोगों के सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड हैं, ठीक है। क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनके पास सिर्फ इनकी एक ही मेम्ब्रेन होती है। अगर वो मेम्ब्रेन फट गई, कुरकुरे का पैकेट फट गया, तो कुरकुरे के अंदर उस पैकेट के अंदर के सारे कुरकुरे बाहर आ जाएंगे। तो सिमिलरली लाइजोम्स जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं बराबर, ये इनकी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, अगर वो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन आप फाड़ दें तो लाइजोम्स के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो सारा का सारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा अगर आप उस मेम्ब्रेन को फाड़ दें तो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे यहाँ पे MCQ क्रिएट किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, कल को हो सकता है तुम्हें दो या तीन सेल ऑर्गेनल्स के नाम दे दे और उनमें से पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज सिंगल मेम्ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए कि फलाना सेल ऑर्गेनल को सिंगल मेम्ब्रेन कहते हैं और फलाना सेल ऑर्गेनल को सिंगल मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं। तो पहला पॉइंट, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। दूसरा, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं यार, बहुत ही छोटे। इमेजिन करो हमारा जो सेल होता है वो इतना छोटा होता है कि आप नेकेड आई से एक सेल नहीं देख सकते। और जो हम बात कर रहे हैं लाइजोम्स की, लाइजोम्स तो सेल के अंदर रहते हैं, तो सोचो वो कितने छोटे होते होंगे, है ना। जब आप सेल को नहीं देख पा रहे हो तो लाइजोम्स तो सेल के अंदर रह रहा है जो कि उससे भी ज़्यादा छोटा है, तो देयरफोर ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, टाइनी आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे गोली जैसे, छोटे छोटी पोटरी जैसे, सौंफ खाई है तुम सभी ने, सौंफ के जैसे, है ना, एकदम छोटे छोटे टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर कोई तुमसे अपीरियंस के बारे में बात करेगा तो दो ही पॉइंट पे बातचीत होगी, पहला सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, दूसरा ये क्या होते हैं, टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के बारे में बात हो गई, अपीरियंस के बारे में बात होगी, बट द पॉइंट इज कि हमारे सेल के अंदर में आखिर ये लाइजोम्स कर क्या रहा है, वाई। देखो हमारी बॉडी के अंदर अगर एक छोटा सा सेल है तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर हर छोटी सी छोटी चीज का इम्पोर्टेंस रहता है, या तो अभी इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे इवोल्यूशन होता जाता है ना बॉडी का, आप 10th में पढ़ोगे तो कुछ चीज़ों की इम्पॉर्टेंस घट जाती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो हो सकता है अभी हमारी बॉडी में वो इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे पूर्वजों की बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हो कई सदियों पहले। तो इवन कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस रखती है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है।
तो सेल के अंदर अगर लाइजोम्स है तो लाइजोम्स की क्या फंक्शन, क्यों है लाइजोम सेल के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए है वगैरह वगैरह। तो देखो कैसा रहता है, अगर मैं थोड़ा सा लाइजोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इमेजिन करिए कि ये आप लोगों का लाइजोम है, ठीक है। ये मान के चलिए जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, लाइजोम्स की मेम्ब्रेन है ना, ये लाइजोम्स की मेम्ब्रेन है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैडम इस लाइजोम्स के अंदर में क्या है, क्या लाइजोम एक टेनिस बॉल के जैसा है जो अंदर से हॉलो है, या लाइजोम्स एक आम के जैसा है जिसके अंदर कुछ अच्छा अच्छा है। तो देखो लाइजोम्स के अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं इंजाइम्स, ठीक है। लाइजोम्स के अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोर करके रखा है लाइजोम्स अपने अंदर में। ये मैं छोटे छोटे स्टार्स बना रही हूँ, ये मैं इंजाइम्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एंजाइम्स का मतलब स्टार होता है, वो मैं अपनी मर्जी से ड्रॉ कर रही हूँ। लाइजोम्स के अंदर में होते हैं बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम्स। ये एंजाइम्स मैडम क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं। इन्हीं एंजाइम्स की वजह से लाइजोसोम्स की इम्पोर्टेंस है। अगर एंजाइम्स नहीं होते लाइजोम्स के अंदर में तो लाइजोसोम्स हमारे लिए बेकार है, ठीक है। लाइजोसोम्स हमारे लिए बेकार है, ठीक है। लाइजोसोम्स के अंदर में क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछेगा सेल के अंदर में क्या होता है, सेल के अंदर में लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स के अंदर में क्या होते हैं, लाइजोसोम्स के अंदर में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स को कौन बनाता है, भगवान, खैर भगवान ने तो सभी चीज़ बनाई है, बट एंजाइम्स को बनाने वाला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब आप लोगों के पास जो लाइजोसोम्स के एंजाइम्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने की है। बट मैम ये करते क्या हैं, मतलब ये एंजाइम्स तो हैं ठीक है, बट ये करते क्या हैं। ये सेल के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। क्या फंक्शन प्ले करते हैं बताओ जरा। देखो होता कैसा है, कई बार कुछ गंदी चीज़ें ठीक है हमारे सेल के अंदर चली जाती हैं, कुछ गंदी चीज़ें। अब वो गंदी चीज़ों में बहुत कुछ हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे सेल के अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना, लाइजोसोम अकेला सेल ऑर्गेनल तो है नहीं, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनल्स भी तो हैं। तो हमारे सेल के अंदर में जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, मान लेते हैं कल को किसी की डेथ हो गई, कोई सेल ऑर्गेनल मर गया, कट गया, फट गया, तो सेल क्या उस कटे फटे मरे हुए सेल ऑर्गेनल को अपने अंदर रखेगी क्या, नहीं रखती। जब सेल क्या होता है डैमेज हो जाता है, या सेल का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज्ड सेल की हमारी बॉडी के अंदर कोई भी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। उस डैमेज पार्ट की हमारी बॉडी के अंदर कोई यूटिलिटी नहीं है। ऐसे सेल को बॉडी में रख के क्या मतलब, है ना, बराबर, ऐसे सेल को बॉडी में रख के क्या मतलब। तो एक तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी की गंदगी। अरे यार ये मर गया है सेल, हटाओ करके। जैसे अगर आप लोगों की जो स्किन होती है, अगर आप अपनी स्किन को साफ नहीं रखेंगे, नहाएंगे नहीं, उसकी स्क्रबिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसके ऊपर मैल जम जाएगी। मैल जमने से क्या होगा, जो तुम्हारी बॉडी जो हेल्दी होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन करती है थोड़ा बहुत, जो स्किन के वाया जो हमारे पोर्स होते हैं पूरे बंद हो जाएंगे, हमारी बॉडी मॉइस्चर नहीं रहेगी, हमारी बॉडी को ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, स्वेटिंग नहीं होगी ठीक से, तो हमारी बॉडी अच्छी नहीं दिखेगी, हमारी स्किन अच्छी नहीं दिखेगी, है ना, हमारी बॉडी में ग्लो नहीं दिखेगा। खैर इसीलिए हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, है ना, लोग चेहरे को स्क्रब कराते हैं, उसको अच्छे से क्लीन रखते हैं, क्या हमारा चेहरा चमकना चाहिए करके, ग्लो दिखना चाहिए, शाइन रहनी चाहिए चेहरे में, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर, हमारी एंटायर बॉडी की स्किन के ऊपर क्या होते हैं सेल्स, जब मर जाते हैं तो मरे हुए सेल्स वहीं पे चिपके रह जाते हैं, उनको जब हम नहाते हैं अच्छे से घस घस के, तब वो सेल्स, डैमेज्ड सेल्स बाहर चले जाते हैं और नए सेल्स आते हैं, तो नए सेल्स मरे चमकते हुए दिखते हैं, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं या अदर जो भी एरिया है जिनको हम नहला नहीं सकते, वैसा होता है क्या, कल को तुम अपनी किडनी को निकाल कर नहला रहे हो
धुला रहे हो, अंदर से पानी वानी डाल के डिटर्जेंट विटर्जेंट डाल के साफ कर रहे हो, नहीं होता ना पॉसिबल। फिर तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे डेड सेल्स कहाँ जाएंगे यार? फिर ऐसे में तो सेल मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे, बॉडी के अंदर जमा होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे फिर। तो इसका मतलब इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैट डोज गंदा गंदा सेल, उन गंदे गंदे सेलों को हटाओ यार, भगाओ वहाँ से, तभी तो तुम्हारी बॉडी हेल्दी रह पाएगी। तो इस गंदे मरे हुए सड़े हुए सेल्स को हटाने का काम करता है लाइजोम्स, ठीक है? इनको हटाने का काम कौन करता है? लाइजोम्स। देखो खैर फिलहाल लाइजोम्स के फंक्शंस में जाने से पहले लाइजोम्स का एक स्ट्रक्चर देख लो। ये सेल है, सेल के अंदर ये आपको न्यूक्लियस दिया हुआ है, रेड कलर का ये न्यूक्लियस है। उसके आजू बाजू ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, ग्रीन कलर में आपको गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी अपैरेटस दिया हुआ है। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर के दिख रहे हैं टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? लाइजोम्स है ना। अब देखो लाइजोम्स की जो वाइट कलर की आपको दिख रही है वो उनकी बाउंड्री है, और लाइजोम्स के अंदर जो आपको पर्पल कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो बेसिकली एंजाइम्स हैं, जो कि किसने बनाए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, ठीक है। चलो अब इस लाइजोम की स्टडी करते हैं। इस लाइजोम्स की मैंने स्टडी की, लाइजोम्स को मैंने काट के देखा। तो जब मैं लाइजोम्स को काट के देखती हूँ तो देखो इसके अंदर क्या मौजूद है? इंजाइम्स मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है? ये इंजाइम्स। ये इंजाइम्स इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर कोई इन एंजाइम्स को बोलेगा कि ले इंजाइम हम तुझको कॉम्प्लेक्स फूड दे रहे हैं, मैं समझाऊंगी कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है, पहले सुन लो तुम, कॉम्प्लेक्स फूड दे रहे हैं तो ये इंजाइम उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देगा सिंपल फूड में, ठीक है? किस में कन्वर्ट कर देगा? सिंपल फूड में। जैसे कि अगर तुम खाना खाते हो, तुमने प्रोटीन्स खाया, तो पेट में जाने के बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद प्रोटीन प्रोटीन नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। ये आप 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, क्योंकि हमारी बॉडी बड़े बड़े कठिन कठिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास जो हमारे खाने के रहते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो सिमिलरली अगर कभी सेल के अंदर गलती से कोई कॉम्प्लेक्स फूड चला जाए तो इंजाइम्स क्या करते हैं? उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। और जब आप 10th क्लास में जाओगे, जब आप बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, तो एक्चुअल में उसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट ही यही है, डाइजेशन, कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अच्छा खाने को पचाना इज नोन एज डाइजेशन, बट एक्चुअल में बायोलॉजी की भाषा में डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, कन्वर्ट करना, उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। और लाइजोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ये काम कर सकते हैं, इसीलिए वो डाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए आपके जो इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स को एक बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, डाइजेस्टिव बैग्स, ठीक है? इन्हें किस नाम से जाना जा सकता है? डाइजेस्टिव बैग्स। पेपर में 1 से 2 मार्क्स के लिए गिव रीजन पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग पूछना जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इनमें से किस सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। हो सकता है असर्शन रीजनिंग में इस टाइप का कोई सवाल आ जाए, है ना? तो यानी कि अगर मान के चलो सेल के अंदर कल को कोई गलती से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस चला गया तो सेल क्या कर देगा? इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एंजाइम्स के पास भेजेगा, एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, और डकार मार के हम खा गए करके, इसीलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। अगर गलती से तुम्हारे सेल के अंदर कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, तो वो उन बैक्टीरिया और वायरस को भी खा जाता है, ठीक है? बेसिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है वो डाइजेस्टिव बैग। उसको इसीलिए भी कहते हैं बिकॉज ही और शी, जो भी उसका जेंडर होगा, है ना, अब तुम्हारी मर्जी, तुम लाइजोम्स को फीमेल बोलो कि तुम्हारी मर्जी तुम लाइजोम्स को मेल कहो, तो वो ही और शी क्या करते हैं? ईट, वो खा जाते हैं। किसको खा जाते हैं? बैक्टीरिया को भी और वायरसेस को भी। कि अगर गलती से कभी किसी सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस चला गया है तो उसको वो खा जाएंगे।
सो देयरफॉर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं किस चीज का, सेल का, क्योंकि अगर वो वायरस या अगर वो बैक्टीरिया नहीं मरा तो बोलो क्या होगा, होगा ये कि आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, ये काम करते हैं। इसके अलावा लाइजोम्स एक और इम्पॉर्टेंट काम भी करते हैं, लाइजोम्स के अंदर के जो इंजाइम्स हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, काम नंबर दो। क्या काम करते हैं मैडम? काम उनका कुछ इस प्रकार से है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं कभी, या सेल ऑर्गेनल्स अगर होते हैं, अगर वो खराब हो चुके हैं, अगर वो डैमेज हो चुके हैं, है ना, मतलब वो अब हमारे लिए कोई काम के नहीं है, तो बेसिकली उनको हटाना है। जैसे अगर मान के चलो आप घर में अगर कुछ भी खाना बनाते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो या कोई भी काम करते हो, तो कुछ वेस्ट जनरेट होता है, आप उस वेस्ट को डस्टबिन में डालते हो, उसको घर में ऐसा फैले तो नहीं रहने देते, क्यों, अगर फैले रहने देंगे तो गंदगी होगी, गंदगी से बीमारी होगी, है ना, आप उसको डस्टबिन में फेंकते हो, फिर सुबह कचरा वाला आया वाला गाड़ी का गाना बजता हो लेकर जाता है वो। तो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर सेल ऑर्गेनल या कंप्लीट सेल भी अगर डैमेज हो जाए तो उस डैमेज चीज़ को बॉडी से हटाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो बेसिकली आपके बाकी के आजू बाजू के अदर सेल्स खराब हो जाएंगे या डैमेज होने लगेंगे। जैसे जब तुम छोटे थे तो बचपन में तुमने वो एक कहावत या एक स्टोरी सुनी होगी ना कि एक बास्केट में अच्छे एप्पल्स के साथ अगर एक खराब एप्पल रख दिया जाए तो वो बाकी एप्पल्स को भी खराब कर देता है। तो ज़रूरी है कि उस डैमेज सेल को वहाँ से हटाया जाए। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गंदा सेल, ठीक है, या कोई भी सेल ऑर्गेनल भी अगर होगा तो उस सेल ऑर्गेनल के कचड़े को वो वहाँ से या उस गंदगी को वो वहाँ से क्या करता है, हटाता है। मैडम लेकिन कैसे हटाएगा, कचरा वाला तो आके कचरा लेके चला जाता है तो वो हटा लेता है, लेकिन ये कैसे हटाएगा, ये उन्हें खा जाता है, बताओ, ये उन्हें खा जाता है, ठीक है, बाय ईटिंग देम, बाय डाइजेस्टिंग देम। सोचो अगर कोई सेल ऑर्गेनल, ठीक है, बराबर क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो उनको ये क्या करेगा, खा जाएगा, और जब ये उन्हें खा जाएगा तो वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल क्या हो गया, गायब हो गया, वो पर्टिकुलर सेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इसीलिए आपका सेल फिर क्लीन हो जाता है ना, और इसीलिए इसको कैकोर नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं किसी भी सेल का कचड़े वाला, ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, इसे सेल का क्या कहा जाता है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, किसी भी प्रकार की गंदगी को यह गपाक से मुंह खोलता है, खा जाता है, फटाक से मुंह खोलता है और खा जाता है, तो इसीलिए इन्हें गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा तो इनका भैया एकदम खतरनाक वाला फंक्शन है, तुमने कई बार मूवीज देखी होंगी जिनमें ऐसा दिखाया जाता है कि लोग अपने बॉडी के ऊपर बॉम्ब लगा के चले जाते हैं, है ना, और धमकी देते हैं गवर्नमेंट को कि आप हमारी ये मांग पूरी करो नहीं तो हम ये बॉम्ब फोड़ देंगे वगैरह वगैरह। वैसे ये बहुत गलत चीज़ है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बट ऐसा आपने मूवीज़ में देखा होगा, राइट। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बॉम्बर्स, कि वो सुसाइड खुद भी मर रहे हैं और बॉम्ब भी फोड़ रहे हैं। तो सिमिलरली ठीक है, क्या होता है, आप लोगों के जो लाइजोम्स होते हैं, इन लाइजोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। पेपर में तो पहले टीचर्स लोग इस पर बहुत सवाल भर भर के पूछते थे कि व्हाई लाइजोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, इन्हें लाइजोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या होता है कि जब सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, व्हेन सेल इज डैमेज्ड। अब देखो, सेल का अगर कोई ऑर्गेनल डैमेज हुआ तो वो लाइजोसोम्स उस सेल ऑर्गेनल को खा जाएगा, ऐसा मुंह खोलेगा और खा जाएगा, है ना। लेकिन अगर पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो गया, अगर पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर रहने वाले लोग वो भी डैमेज हो जाएंगे, बराबर वो सेल के अंदर वाले लोग भी डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, व्हेन सेल इज डैमेज
जो लाइजोसोम्स होता है वो बॉम के जैसे फट जाता है, ठीक है, जो लाइजोसोम्स होता है वो बॉम के जैसे क्या होता है, फट जाता है। और जैसे ही लाइजोसोम्स फटता है तो उसके अंदर जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे इंजाइम्स बाहर आते हैं, और जब सारे के सारे इंजाइम्स बाहर आते हैं तो बेसिकली वो दूसरों को तो मारते ही मारते हैं और खुद भी मर जाते हैं, है ना। अगर मान लेते कोई इंसान, जैसा कि मैंने बताया मूवीज़ में दिखाया जाता है, खुद के आजू बाजू अगर बॉम्ब लपेट के जाता है तो बाकी लोगों को तो डैमेज पहुंचाता ही है, खुद की लाइफ के साथ भी वो डैमेज पहुंचाता है। तो सिमिलरली जब सेल डैमेज होता है, ठीक है बराबर, तो ऐसे केस में लाइजोसोम फटता है, उसके अंदर का एंजाइम निकलता है, ठीक है, और होता क्या है, आप लोगों का वो खुद को ही मार डालता है। तो इसीलिए बराबर आप बताओ क्या हुआ, आप लोगों का ये सुसाइडल बैग हुआ। तो ये तीन फंक्शंस हैं लाइजोम्स के, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, डाइजेस्टिव बैग्स एंड सुसाइडल बैग। पेपर में इनसे लेकर गिविजन्स या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, तो आपको इस तरीके से गिव रीजन लिखना पड़ेगा। कल को इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाई आर लाइजोसोम्स नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लाइजोसोम्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस, दे ईट अप बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स, देयरफॉर दे आर नोन एज आप लोगों का डाइजेस्टिव वाला, खत्म। तो ये लाइजोसोम्स नामक हमारा चौथा सेल ऑर्गेनेल था। कल हम लोग हमारे पांचवें सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तुम दिन भर में जितना भी खाना चरते हो, वाओ 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 मुंह करके खाते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो खाना जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, उसके लिए हम कल की क्लास में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिलहाल अभी आज की क्लास को यहाँ रोकते हैं।